गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीता शर्मा फ्रॉम बिहार पब्लिक स्कूल बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण एवं रचना में संधि का चैप्टर है जो हमने स्टार्ट कर रखा था, उसमें हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि में हमने नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 तव के नियम में हमने दो नियम को पढ़ लिया था। आज हम नंबर 3 और नंबर 4 तव के नियम का नंबर 3 और नंबर 4 का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मै के नियम। तव के नियम में तीसरा नियम है कि तव के बाद में यानी प्लस से पहले क्या होना चाहिए, तव होना चाहिए और प्लस के बाद में 6, 6 से छत्री वाला आ जाए तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा, तव की जगह बन जाएगा आधा 6 और 6, 6 की जगह 6 बनेगा तो आधा 6 और 6 बन जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, उत प्लस स्वास, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शास्त्र। अब देखिए तव के बाद में शय आए तो, सॉरी टू से शय आए तो, तय के बाद में शय आए तो दोनों के योग से 6 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत प्लस स्वास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आधा 6, तव की जगह बन जाएगा आधा 6 और शय की जगह बन जाएगा आधा 6, उत प्लस स्वास उच्छवास। ये यहाँ पर ये जो है ना शय और तव, इसकी जगह बन जाएगा आधा 6 और 6, किसकी जगह, शय की जगह 6 बन जाएगा और तय की जगह आधा 6 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत प्लस शिष्ट, तो शी की जगह क्या बन जाएगा, छी उच्छिष्ट। नेक्स्ट देखिए सत प्लस शास्त्र, एज इट इज वही बात होगी आधा 6 प्लस शास्त्र, जहां पर शय आ रहा है वहां पर क्या बन जाएगा 6, तो के बाद में अगर शय आता है तो उसको मिला के चय की जगह बन जाएगा, तय की जगह बन जाएगा आधा 6 और शय की जगह बन जाएगा शय से छतरी वाला। देखिए उत प्लस श्वास, तय के बाद में शय आ रहा है तो यहाँ पे उच्छवास आधा 6 बन जाएगा, किसकी जगह, त की जगह और शय की जगह बन जाएगा 6। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट में क्या होगा, तय जहां पर होगा वहां पर बन जाएगा आधा 6 और शी, शी की जगह बन जाएगा छी, क्योंकि 6 से छतरी बन रहा है तो यहाँ पर ई की मात्रा है तो छी बन जाएगा। सत प्लस शास्त्र, तो तय जहां पर होगा वहां पर आधा 6 और शास्त्र की जगह छास्त्र। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं कि त के बाद में है आने पर आधा द और ध बन जाता है। देखिए प्लस से पहले तय आ रहा है और प्लस के बाद में अगर हमारे पास है आता है, प्लस से पहले क्या रहता है और प्लस के बाद में अगर है आता है तो तय की जगह क्या बन जाएगा आधा द और इसकी जगह है की जगह क्या बन जाएगा ध। देखिए उत प्लस हार उद्धार। नेक्स्ट देखिए तत् प्लस हित त्वदित। देखिए त जहां पर होगा वहां पर मैंने आपको बताया आधा दया आ जाएगा और है जहां पर होगा वहां पर ध बन जाएगा, तो यहाँ पे है के आगे आ की मात्रा है तो एक इस ध के आगे भी हम आ की मात्रा लगाएंगे उद्धार। देखिए उद्धार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार। हमेशा ध्यान रखना जो पूरा वर्ण होता है वो आधे वर्ण के पैरों में, आधा वर्ण के चल जाता है ऊपर चला जाता है और जो पूरा वर्ण होता है वो उसके टांगों में आता है, आधा ये लाइन यहाँ पर ऐसे की ऐसी आ जाएगी। जैसे आप विद्यालय में लिखते हो ना विद्यालय, तो इसमें क्या होता है जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर वी और ये जो आधा वर्ण होता है वो हो जाता है ऊपर और या आती है उसके नीचे विद्यालय, ठीक है। तो आधा वर्ण हमेशा ऊपर चढ़ेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमने त्वदित बनाया है तो त्वदित में त के जगह क्या आ गया आधा ध और है के ऊपर किसकी मात्रा था ई की मात्रा थी तो यहाँ पर ध की जगह हमें बनाना है ध, तो त्वदित तो आधा ध था और ध था, लेकिन जो आधा वर्ण होता है वो ऊपर जाता है और ध है वो उसके टांगों में आएगा उसके ऊपर ई की मात्रा आ जाएगी।
ये थे क के चार नियम, दो नियम हमने कल पढ़े थे और दो नियम हमने पढ़े हैं आज। सबसे पहले मैं के नियम का नियम नंबर वन है कि प्लस से पहले अगर मैं आता है और प्लस के बाद में क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर कह आया है या कह के रहे का गर्भ से कुछ भी आ जाए तो ये मैं है वो उसी लाइन के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो पंचम वर्ण मैंने आपको बताया कि पंचम वर्ण हमेशा क्या होता है, अनुनासिक या अनुस्वार, यानी आपको सिर्फ बिंदी लगानी है। देखिए हम आगे ये पढ़ते हैं तब आपको पता लग जाएगा कि सबके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार और अनुनासिक ही लगेगा क्योंकि पांचवा वर्ण हमेशा अनुस्वार और अनुनासिक ही होता है। जैसे देखिए सम प्लस घी, तो देखिए मैं के बाद में ग, तो कैसी लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो वहां पर क्या होती है संगीत, सम प्लस गीत संगीत, सम प्लस साफ होता है किरण का ग ध न, तो आधा नय भी किसमें बदलता है अनुस्वार संता। नेक्स्ट देखिए सम प्लस तोष, तो तय की लाइन का पांचवा वर्ण है न तो संतोष, सम प्लस भावना संभावना संभावना, सम प्लस चय संचय, सम प्लस चय संचय, तो ये हो गया संचय। यहां देखिए सभी में आपको अनुस्वार अनुनासिक मिल रहा है तो इट मीन्स पांचवा वर्ण हमेशा क्या होगा अनुस्वार या अनुनासिक। मैं का नियम नंबर वन है कि प्लस से पहले अगर मैं हूं और प्लस के बाद में क से मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो ये जो मैं है प्लस से पहले वाला वो नेक्स्ट अपना जो वर्ण आ रहा है उसके पांचवें वर्ण में बदलेगा, उसकी लाइन का पांचवा वर्ण जो भी होगा उसके बदलेगा। पांचवा वर्ण का आपको मतलब पता ही कि अनुस्वार हो जाएगा, इट मीन्स ये म है उसका क्या हो जाएगा अनुस्वार बन जाएगा और शेष वर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, शेष वर्ण एज इट इज आके लगेंगे। जैसे यहाँ गी में कोई चेंज नहीं हुआ, ता एज इट इज आया, तो एज इट इज आया, भा एज इट इज आया, उच्च एज इट इज आया, सिर्फ जो मैं शब्द है मैं जो वर्ण है उसमें चेंज आया तो मैं वर्ण में क्या लग जाएगा हमेशा इनकी जगह अनुस्वार या अनुनासिक का यूज हो जाएगा। मैं का नियम नंबर टू, देखिए प्लस से पहले अगर मैं हूं और प्लस के बाद में ये र ल ग श स है, अब इसमें ये वाला श हमने छोड़ दिया है, ये वाला नहीं है इसमें, य र ल र श श ह में से कुछ भी हो तो ये मैं है वो किसमें बदलेगा अनुस्वार में। इससे पहले वाला नियम भी हमने अनुस्वार वाला पढ़ा था लेकिन उसमें फर्क इतना था कि उसमें प्लस के बाद वाली शर्त अलग थी, प्लस के बाद में क से लेकर म तक के वायुमंडल थे जबकि यहाँ पर हमारे य र ल व श स ह ये चार तीन सात सात व्यंजन आ जाए तो मैं है वो किसमें बदलेगा अनुस्वार में। जैसे उदाहरण देखिए सम प्लस योग, तो जो आधा मैं है उसके बाद में देखिए य आ रहा है, ये आ रहा है तो क्या बन जाएगा संयोग। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट सम प्लस रक्षक, मैं तो संरक्षक क्योंकि ये देखिए यह रहा में से वह आ रहा है। नेक्स्ट देखिए सम प्लस सार, तो सार में से आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा संसार, मैं है वो किसमें बदल जाएगा अनुस्वार में। नेक्स्ट हमारा मैं का नंबर नियम नंबर तीन, उसमें देखिए कि प्लस से पहले अगर मैं है और प्लस के बाद में या तो मैं है और या वापस मैं आ रहा है, प्लस से पहले तो मैं है क्योंकि मैं के नियम चल रहे तो प्लस से पहले तो ऑब्वियस बात है कि मैं ही आएगा, प्लस के बाद की शर्त हम देखते हैं कि या तो मैं आ रहा है या फिर मैं आ रहा है, तो इन दोनों के आ जाने पर क्या होगा ये फर्स्ट वाला जो मैं है वो इसके अनुरूप चेंज होगा। अगर मैं आ रहा है तो आधा मैं हो जाएगा, अगर मैं आ रहा है तो आधा मैं हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए सम प्लस निधि, तो यहाँ पर देखिए नय आ रहा है तो इस नय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किसमें होगा आधे नय में, तो क्या
सन्निधि। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब छोटी ई की मात्रा होती है तो जो आधा अक्षर होता है, जैसे मैं की जगह आधा न हुआ है, तो जो आधा अक्षर होगा वो उसके अंदर जाएगा मात्रा के अंदर, तो सन्निधि। इसी तरीके से देखिए सम प्लस मति, अब मैं आ रहा है तो यहाँ पर आधा क्या बन जाएगा, मैं, अगर न आएगा तो आधा न बन जाएगा मैं की जगह, और मैं आ रहा है तो आधा न बन जाएगा, सम्मति। सभी को समझ में आ रहा है ना? व्यंजन संधि के दो नियम पढ़ने के बाद में हमने त के नियम पढ़े थे, तय के नियम के बाद में हमने मै के नियम पढ़े थे। इस तरीके से हमने व्यंजन संधि के चार नियमों को पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम नियम नंबर पांच। यदि किसी स्वर के बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यदि किसी स्वर के बाद में छह आता है, यदि किसी स्वर के बाद में छह से छतरी वाला आए तो छह बन जाता है। छह तो एज इट इज रहेगा, बस बीच में हमारा क्या मेंशन करना है, हमें प्लस को हटा के आधा छह बना देना है, प्लस को हटा के आधा छह बना देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आ एज इट इज रहेगा और छादन एज इट इज रहेगा, हमें सिर्फ अपनी तरह से क्या लगाना है, आधा छह आच्छादन। देखिए नेक्स्ट, अनु एज इट इज रहेगा और छेद ऐसा कैसा आ जाएगा, हमें सिर्फ क्या लगाना है, आधा छह बीच में लगाना है अनुच्छेद। नेक्स्ट नियम है ए या आ को छोड़ देना है, ए या आ को छोड़ देना है, उसके बाद में कोई भी स्वर आए, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उस स्वर के बाद में से आता है तो से का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। देखो यहाँ पर ई की मात्रा ही है, यहाँ पर ऊ की और यहाँ पर भी ई की, और प्लस के बाद में क्या है, सह सह सह, तो ये वाला जो सह है वो किसमें बदलेगा, शय षटकोण में, तो वी प्लस शम, सु प्लस सुप्त, सु शुप्त, नी प्लस से निषेध। तो ये व्यंजन संधि का पांचवा और छठा नियम। नेक्स्ट नियम है हमारे नियम नंबर सात। देखिए प्लस से पहले री री रे और शय में से कुछ भी आ जाए और उसके बाद में न आए तो न की जगह हमें क्या बनाना है, न। देखिए प्लस से पहले री, प्लस से पहले रे और प्लस से पहले शय, तीन चीजें आई है, देखो री रे और शय, री रे और शय, और प्लस के बाद में क्या आना चाहिए, न न न आ रहा है तो ये वाला न है किसमें बदलेगा, अण में। देखो परी नाम, देखिए मर प्लस न तो मर और ये वाला न है किसमें बदलेगा, अण में। भूषय न तो किसमें बदलेगा, भूषय और न किसमें बदलेगा, न में भूषण। तो ये आपके व्यंजन संधि के नियम यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ में व्यंजन संधि भी समाप्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के बाद में आती है हमारी विसर्ग संधि। देखिए प्लस से पहले हमारा आता है विसर्ग और विसर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ण ए या आ हो और प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या फिर य र ल ग या श है में से कुछ भी आ जाए या फिर अ ए भी आता है तो ए आ जाए तो क्या होगा, हमारे जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। देखिए मन है प्लस रथ, प्लस से पहले क्या है, विसर्ग है और प्लस के बाद में ए है। देखिए ए र ल ग श है में से कुछ भी आ जाए, इधर भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या दे रखा है, ग दे रखा है तो ग है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण। देखिए क की लाइन का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, क ख ग, देखिए तीसरा वर्ण है। विसर्ग के बाद में प्लस है, प्लस के बाद में क्या दे रखा है, य दे रखा है तो यह हमारा मिल गया। विसर्ग के बाद में क्या दे रखा, र दे रखा है तो यह भी, यह और र दोनों हमारे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस विसर्ग में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा,
मनोनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अधोगति, अधोगति। नेक्स्ट देखिए मन प्लस योग, मनोयोग। मन प्लस रथ, मनोरथ। तो ये हमारा विसर्ग संधि का नियम नंबर वन है। नियम नंबर टू देखते हैं हम। चलिए आज की कक्षा में हम नियम नंबर वन का ही अध्ययन करेंगे। नियम नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट तक हमारे नियम है। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेवन नियम है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम विसर्ग संधि का नियम नंबर वन तक का ही अध्ययन करेंगे। आगे के नियम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।